कनाडा में खालिस्तानी अटैक के खिलाफ हिंदू समुदाय का बड़ा प्रदर्शन। ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे हिंदू, खालिस्तान मुर्दाबाद और जय श्री राम के लगे नारे। विदेश मंत्री बोले कनाडा में हिंदुओं पर हमला चिंताजनक। अब यूपी सरकार ही सीधे कर सकेगी डीजीपी की नियुक्ति, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, पूछा क्या किसी बड़े अफसर के लिए बदले गए नियम। आज झारखंड के रण में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कोडरमा हजारीबाग जमशेदपुर में रैली को करेंगे संबोधित, मल्लिकार्जुन खड़गे को की भी होंगी दो चुनावी रैली। महाराष्ट्र में आज से चुनाव प्रचार पकड़ेगा जोर, महायुति आज कोल्हापुर से प्रचार का करेगी आगाज। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे दर्शन, उद्धव ठाकरे भी कोल्हापुर से ही प्रचार की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदली, 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। समाजवादी पार्टी का हमला, कहा बीजेपी को हार का डर सता रहा इसलिए तारीख बदल दी गई। अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग, रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर। आज नहाए खाए से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत, 7 और 8 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को अर्घ। दिल्ली में झाग वाली यमुना में पूजा को मजबूर हुए श्रद्धालु।